हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम फिर से एक और बार खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। सो गाइस, आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में पूरा का पूरा एक्सपी फार्म बनाया था जो हमें एक एफिशिएंट एक्सपी देने में समर्थ है, मतलब एक अच्छी खासी एक्सपी अभी के लिए दे देता है। आगे चल के हो सके हम इसे अपग्रेड करें या इसके जैसा ही कोई नया अच्छा सा फार्म बनाए, लेकिन अभी के लिए ये तो एफिशिएंट मतलब एक्सपी दे रहा है। यहाँ पे अच्छे से मॉब्स आ रहे और बहुत सारा मतलब जॉम्बीज से मिल जा रहा है, मॉब से मिलने का सामान हमें यहाँ पर मिल रहा है जो फ्यूचर में तो हमें काम आ सकता है। सो गाइस, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आज लेकर आ चुका हूँ। वैसे आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, सो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। सो गाइस, मैं बनाने वाला हूँ आज में एक पूरा का पूरा घर। सो गाइस, मैं पूरा का पूरा घर बनाने वाला हूँ और एक ऐसी जगह पे बनाने वाला हूँ जहाँ पे शायद किसी ने बनाया नहीं होगा या बनाया होगा तो मुझे पता नहीं होगा। ओके सो और गाइस, मैंने उससे पहले वीडियो में एक आयरन फार्म बनाया था जो भी एक अच्छे से वर्क कर रहा है। सो गाइस, जितना भी घर बनाने के लिए सामान चाहिए वो अब मेरे इन्वेंट्री में आ चुका है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, सारा सामान को लेकर उस जगह पर चलता हूँ जहाँ पर मुझे ये घर चाहिए। और भाई, ये घर मैंने मतलब पूरे सोच समझ कर खुद की आइडिया से बनाया है। ओके और गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं पानी की तरफ क्यों जा रहा हूँ। सो गाइस, मैं बता दूँ आपको, तो मैं ये घर पूरा का पूरा पानी के ऊपर बनाने वाला हूँ, मतलब ओशन के ऊपर बनाने वाला हूँ जो एक इस तरफ है। मैंने उसका एक नीचे का मतलब एक बेस बना दिया, ऐसा आप ऐसा बोल सकते हो, आपको सामने दिख रहा होगा मैंने एक वहाँ पर एक बेस बना दिया उसका, हाँ, जिसकी मदद से हम पूरा का पूरा पानी के ऊपर घर बना सकते हैं। और गाइस, इस मतलब अभी के लिए तो मैं सिर्फ घर बनाऊंगा और शायद से अगले वीडियो में मैं उसका पूरा इंटीरियर ये कर सकता हूँ, पूरा इंटीरियर जो है ना उसका वो डेकोरेट कर सकता हूँ। सो अभी के लिए तो मैं सिर्फ बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसका वो बना लूँगा इस वीडियो में। सो गाइस, ये है, आई थिंक ये पूरा एक सर्कल है या ये सर्कल है पूरा। सो इस सर्कल के ऊपर मैंने पूरा का पूरा अपना घर बनाना है और मैं इस फ्यूचर में इस सर्कल को एक्सटेंड करूँगा। सो अभी के लिए काम कर लेते हैं, मैं जल्दी से घर बनाने के लिए, देखो ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं मुझे, स्टोन ब्रिक्स की मेरे को सबसे ज़्यादा स्टेयर्स लगने वाली, क्योंकि उसी से मैं सारा का सारा रूफ बनाने वाला हूँ। उसके बाद मुझे स्टोन के ब्रिक्स लगेंगे और थोड़ा बहुत ग्लास लगेगा, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं लगेगी, ज़्यादा चीज़ें मेरे को इंटीरियर में लगेंगी। ओके सो अभी के लिए काम कर लेता हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं इस मतलब आपको साइड में एक फ़ोटो दिखाऊंगा, मैं उस फोटो से इसका पूरा टॉप लगने वाला है। ओके तो गाइस, मुझे कुछ नहीं करना है अभी, मुझे क्या करना है, यहाँ पर 9x9 का एक हेक्सागन टाइप एक शेप बनाना है। यस गाइस, आपने सही सुना, मैं ऑक्टागन शेप का मैं पूरा का पूरा एक घर बनाने वाला हूँ जो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, आप लास्ट में देखना कितना अच्छा लगेगा। ओके सो गाइस, अब एक काम करते हैं, रात होने वाली है सो सुबह से काम चालू करेंगे, एक शुभ दिन से काम चालू करेंगे। अभी के लिए रात होने वाली है सो जल्दी से सो जाते हैं। और गाइस, मैं आपको थोड़ा बहुत तब तक घर के बारे में बता दूँ, इस घर में सब हो गए। इस घर में सबसे बड़ा मेरे को पसंद आया वो है था कि इसमें स्टोरेज जो सिस्टम है या स्टोरेज के लिए जो जगह है वो बहुत होने वाली है। सो इसी के लिए मैं ट्राई करने वाला हूँ। और मुझे क्या करना है अभी, 9x9 की एक यहाँ पर ये बनानी है, 9x9 ना। सो एक दो तीन चार इस तरफ और बीच में एक होकर और यहाँ पर एक दो तीन चार और चार इस तरफ, और इसी को मुझे पाँच के हाइट पर लेके जाना है। सो जल्दी से काम करता हूँ, पाँच के हाइट पर लेके चलता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, मैं इसे पाँच के हाइट पर लेके आ चुका हूँ, अभी मुझे थोड़े से ग्लास चाहिए होंगे। सो मैं जल्दी से ग्लास ले लेता हूँ, इन्हें भी मुझे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे साइड में जाते हुए 9 ब्लॉक्स सॉरी 5 ब्लॉक्स की हाइट पर लाते हुए यहाँ पर मुझे 9 ब्लॉक्स की हाइट पर लाते हुए मुझे ये करना है। सो एक काम कर लेते हैं, जैसे मैं ऐसे साइड साइड में कॉर्नर्स में लगाने मुझे और फिर आगे बढ़ते जाना है। सो
मैं जल्दी से 9 9 ऐसे लगा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ और इनको 5 हाइट के ऊपर भी पर चढ़ा लेता हूँ। 3 4 तो गाइस मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो 9 कैसे लाइन की चौड़ाई करते हुए 5 की हाइट के हिसाब से कर लिए। अब जैसे मैंने ये ऐसी 9 क्लॉक्स की किया है ना, वैसे मुझे इस साइड पे भी करना है। सो मैं 2 मिनट दो मुझे मैं करके मिलता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पर एक कर लिया है। अब मुझे क्या करना है ना, ऐसे ही ग्लास फिर स्टोन फिर ग्लास फिर स्टोन करते हुए मेरे को पूरे इसको एक जोड़ना है इसे। सो मैं पूरा का पूरा जोड़ लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, ओके? क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बीच में से छोड़ के चले जाते हो, सो अच्छा नहीं रहता ना। सो इसीलिए पहले मैं पूरा पूरा बना लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, ओके? सो मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाकर आपसे मिलता हूँ। ओके सो गाइस मैं यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया और हमारा घर कुछ ऐसा दिखने वाला है इस साइड। इसमें अब बहुत कुछ काम बाकी है। लेकिन अभी के लिए कुछ ऐसा हमारा घर दिखने वाला है और इसमें कुछ वॉल्स और पार्टीशंस होंगे जो मैं आपको बताता हूँ कैसे होंगे। पहले वॉल और पार्टीशंस कर लेते हैं हम, जिसके वजह से ना फिर बाद में लास्ट में हम रूफ बनाएंगे। ओके सो अभी के लिए काम कर लेता हूँ मैं। ये मैंने कुछ रेफरेंस के लिए मतलब अच्छे से घर बनने के लिए बनाया था। अब इसे एक काम कर लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ। और गाइस मैं इसमें भी आई थिंक ये सेंटर है, तो अभी के लिए एक इसमें लगा लेता हूँ क्योंकि सेंटर पता चलना चाहिए। और अब गाइस हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसका सेंटर ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, 3 और 4 ये इसका सेंटर है। तो इसको हमें क्या करना है, पीछे तक लेके आना है, मेन ब्लॉक तक। ओके मेरे मैं यहाँ तक इसे लेके आना है। कहाँ तक, आई थिंक पहले तो मेरे को ये ढूंढने दो। आई थिंक हाँ, हमारी एंट्री यहाँ से होगी ना। सो 1 2 3 4 और यहाँ पर एक लगा दूँ तो मैं 1 3 और 4। ओके हाँ, सो हमारी एंट्री कुछ इस साइड से होगी। सो एक काम करता हूँ मैं, इसे तोड़ लेता हूँ। ओके सो अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ पर आ जाएगा हमारा गेट। सो अभी के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ से अगर मैं कुछ यहाँ से यहाँ पर चेस्ट आ जाएंगी दोनों साइड पे। ओके दोनों साइड पे चेस्ट होंगी, से टू का रास्ता चाहिए और यहाँ पर हमें इसे पूरा का पूरा पीछे तक लेके आना है इसको। ओके गाइस मैं यहाँ तक इसे ले
चुका हूँ। ये ऐसे कुछ पार्टीशंस होंगे और ये यहाँ पे 2 रूम, और इसी सेम इसको मेरे को उस साइड पे कॉपी करना है। और यहाँ पे हमारे टोटल 4 रूम होंगे, 1, 2, 3 और 4। लेकिन अभी रात हो रही है, यहाँ पे जॉम्बी स्पॉन हो सकते हैं। वैसे मैं टॉर्च तो लगाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जॉम्बी स्पॉन हो जाए थोड़े से अंधेरे में भी। ओके, सो अभी के लिए काम कर लेता हूँ, मैं सो लेता हूँ। और गुड नाइट, वैसे तो पता नहीं आपकी वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन मेरी तरफ से तो गुड नाइट। सो मैं बेड भी तोड़ लेता हूँ और अंदर चलता हूँ। ओके, और मेरे को कोई भी ग्लास तोड़ना नहीं, क्योंकि मेरा ग्लास बहुत पहले कम ही है। और जैसे हम ग्लास तोड़ते हैं ना, ग्लास मतलब मिलता नहीं हमें बिना सिर्फ टच के थोड़े तो। ओके, सो गाइस, हमें इसको वापस वहीं पे करना है। हमने यहाँ पे 2 ब्लॉक छोड़े, सो यहीं पे भी सेम 2 ब्लॉक छोड़ के इसे पूरा पीछे तक लेके आना है। सो मैं लेके आता हूँ इसे, थोड़ा सा या इतना हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, तो अभी क्या करना है मुझे, इसी को सेम इसको जितना मेरे को यहाँ मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पे इसको ये करना है मुझे, कवर करना है ऐसे। ये आएंगे यहाँ पर। ओके, और मेरे को लगता है मेरे पास स्टोन ब्रिक्स मेरे को कम पड़ने वाली है। यार ये मैंने क्या को ले गलती से। ओके, मेरे को स्टोन ब्रिक्स कम पड़ने वाली है, सो मेरे को और लेने जाना होगा। लेकिन अभी के लिए छोड़ो, मैं ये तोड़ देता हूँ क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने समझने के लिए लगाया था। ओके, सो गाइस, ये है होगा हमारा घर। और इसको मेरे को अभी चार चार ब्लॉक्स हाइट तक लेके जाना है। सो जल्दी से मैं इन सबको हाइट को लेके जाता हूँ, फिर आप सब। ओके, सो गाइज, मैंने तो यहाँ पे मतलब पार्टीशन कर लिया, और मेरे पास इतने थोड़े से स्टोन ब्रिक्स कम पड़ गए। सो मैं इसे बाद में लेने जाऊँगा, मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं। अभी के लिए अगला काम पूरा कर लेते हैं, इसको मैं बाद में कर लूँगा सही। अभी के लिए हमें क्या करना है, अभी हमें जाना है आउटडोर पे, बाहर जाना है हमें। और बाहर जाकर यहाँ पर ऐसे स्टोन ब्रिक्स लगानी है, और थोड़ा सा ऊपर जाना है हमें। सो मैं यहाँ पर ये लगा लेता हूँ, ये तो मतलब गिनना नहीं है, सॉरी मैं गिनना। अब हमें यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेयर से काम है, सो स्टेयर्स का ही काम कर लेते हैं। अरे यार गाइस, ये स्टेयर से ना बहुत प्रॉब्लम देती है, सो इसे अच्छे से लगाना होगा। या ऐसे वापस,
सो गाइस आप देख सकते हो मैंने चारों ओर ऐसे मतलब ये कर दिया। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इन चारों को ज्वाइन करना है और फिर इसे ऐसे भी ज्वाइन करना है और इन्हें ऐसे भी ज्वाइन करना है और फिर पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस मैं आपको 5 मिनट में मिलता हूँ ये सब ज्वाइन करके। सो गाइस हमारा घर पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। मैं आपको उसको छोटा सा टूर करा दूँ और मुझे यहाँ पर डोर्स भी लगाने हैं, बाहर से लगा एक्चुअली। ओके सो यहाँ पे मुझे कुछ डोर्स लगाने या गलत लग क्या, यहाँ पे फिर से इसे तोड़ के अच्छे से लगा लेता हूँ मैं या। ओके सो अरे खुल गया मेरे भाई या। हाँ राइट ओके सो यहाँ पर दरवाजे लगा लें और यहाँ पर साइड इस साइड में और सेम अपोजिट साइड में यहाँ पर दरवाजे लगाने। ओके सो गाइज मैंने यहाँ पर दरवाजे लगा लिए। राइट सो गाइज मैंने यहाँ पर दरवाजे लगा लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें छोटे छोटे काम करना है। जैसे मुझे चाहिए होंगे कुछ स्टेयर्स और स्टेयर्स से मेरे को पूरा का पूरा ये ऐसे कॉर्नर्स में ये करना है जिससे इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ओके और ये छोटे लग रहा है भाई। ओके जिसकी लुक थोड़ी सी अच्छी हो जाए। ओके सो इसके लिए मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, अगर अच्छा दिखता है सो कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं इसे तोड़ डालूंगा। आई थिंक अच्छा ही दिखता होगा। ये काम करते कंटिन्यू करते इसे पूरे इसके और कंटिन्यू करने के बाद आपसे मिलता हूँ। ओके 2 मिनट में सो मिलता हूँ। सो गाइज मैंने यहाँ पर इसे बाउंड्री कर दी है, अब मुझे कुछ नहीं करना है गाइज। और एक काम भी कर लेता हूँ मैं, इसे तोड़ के ना ऐसे आगे की तरफ तो सी ये कर लेता हूँ जिससे थोड़ी अच्छी लुक आए, जैसे ऐसे या इससे थोड़ी अच्छी लुक आएगी क्योंकि इसे ऐसे ख़त्म हो रहा है ना, ऐसा पता चलेगा ना। सो इसे ऐसे ओके सो अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट आगे देखते हो। ओके और गाइज इसमें मेरे को और कुछ नहीं है अगले, बाकी जो भी बच रहा है अब जो इंटीरियर हो गया या नीचे का फ्लोर हो गया वो आई के सब अगले वीडियो में करेंगे या उसके अगले वीडियो में देखेंगे। ओके सो ये फ्लोर और ये चारों रूम्स जो है, इन चारों रूम्स को मेरे को डेकोरेट करना है, फिल करना है। सो उसके लिए और बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसमें मेरे को घर में डेवलप करनी है और बेस्ट घर बनाना है। सो उसके लिए मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा। सो चलते हैं गाइज, सॉरी मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।